राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक मिलकर सोचें पर आधारित किशोर बच्चों के नैतिक विकास हेतु ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है कार्यक्रम माता पिता की चिंता। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए कितने परेशान तथा चिंतित हो उठते हैं? कुछ उदाहरण प्रस्तुत है। फजल की माँ को उसके स्वास्थ्य की बड़ी चिंता थी। उसके स्कूल का समय बड़ा अटपटा था, 7 बजे से 1 बजे तक। स्कूल की बस को पकड़ने के लिए फजल को सुबह 6:30 बजे घर से निकलना पड़ता था। कभी कभी बहुत कहने पर वो 1 गिलास दूध पीता तो अन्य दिन कुछ खाए पिए बिना ही चला जाता था। बच्चों को दूध पिलाना सबसे कठिन कार्य है, लेकिन केवल दूध ही एक पूर्ण आहार है। फजल की माँ सुबह 5 बजे के करीब उठकर उसके लिए पराठे अथवा सैंडविच बनाती और फिर प्यार से उसके लिए डिब्बे में रख देती। कभी कभी वो उसके लिए कुछ फल भी रख देती, किंतु अधिकांश दिन वे इस बात को लेकर निश्चित नहीं हो पाती थी कि वो छुट्टी में खाना खा लेता है। कभी कभी कौवे डिब्बे में से खाना ले उड़ते। खाने की छुट्टी के समय में स्कूल में कौवों का दल न जाने कहां से आ जाता, क्योंकि उस समय बच्चे अपना अपना खाना निकालते थे। कभी कभी उसे चिढ़ाने के लिए लड़के उसका डिब्बा खाली कर फिर बस्ते में रख देते। इन सब का परिणाम ये होता कि उसे 2 बजे तक कुछ न मिलता और घर पहुंचने तक भूख के मारे उसकी बुरी हालत हो जाती। फजल की माँ जानती थी कि ये उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। बड़े होते लड़के लड़कियों को नियमित समय पर पौष्टिक आहार लेना चाहिए। इस उम्र में शरीर को प्रोटीन, कैल्शियम तथा अन्य विटामिनों की आवश्यकता होती है। उसे इस बात को लेकर भी चिंता थी कि वो शारीरिक व्यायाम भी नहीं कर पाता था, क्योंकि स्कूल में खेल के मैदान थे ही नहीं। स्कूल शहर के एक व्यस्त इलाके में था। बड़े होते बच्चों के लिए सही खाना, व्यायाम तथा नींद बहुत ही आवश्यक है। उसकी माँ उसके स्वास्थ्य को लेकर बड़ी चिंतित रहती। स्कूल समय को लेकर वो कुछ न कर सकती थी, क्योंकि स्कूल की अपनी समस्याएं होती हैं। जसपाल तथा रामपाल भाई थे। उन दोनों में जसपाल अधिक गंभीर प्रकृति का था और पढ़ाई में बड़ी रुचि लेता था। रामपाल 10 साल का था और 6ठी कक्षा में पढ़ता था। इस कक्षा में कई नए विषय प्रारंभ किए जाते थे, लेकिन रामपाल का ध्यान हमेशा खेलकूद में लगा रहता था।
उसके शिक्षक अक्सर उसकी डायरी में लिख देते कि उसने गृह कार्य नहीं किया है। उसकी माँ कभी उसे प्यार से कहती, कभी डांटती, कभी पिताजी बहस करते। तब जाकर बड़ी कठिनाई से वो पढ़ने बैठता। माँ ये सोचकर बड़ी परेशान रहती कि कुछ बच्चे क्यों पढ़ाई की तरफ इतना ध्यान नहीं देते, और क्या रामपाल कभी कुछ कर पाएगा। जसपाल में वो सब कुछ था जो वो चाहती थी, किंतु फिर भी वो दोनों बच्चों की कभी आपस में तुलना न करती। परंतु छोटे लड़के का व्यवहार उसकी समझ के बाहर था। दीपा नवी कक्षा में पढ़ती थी। यद्यपि वो डरपोक न थी, फिर भी उसकी माँ छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ी परेशान रहती। दीपू और उसकी सहेली मारिया रिक्शे में स्कूल जाते थे, क्योंकि स्कूल की बस उनके घर के पास नहीं आती थी। रिक्शा वाला विश्वसनीय आदमी था और स्कूल जाने में केवल आधा घंटा लगता था। फिर भी उसकी माँ को हमेशा ये भय लगा रहता कि कहीं कोई दुर्घटना या कोई अनुचित घटना न हो जाए, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा था। रिक्शा आने के निश्चित समय के एक घंटे पहले ही वो दरवाजे पर खड़ी रहती ताकि वे दूर से रिक्शे को आता देख सकें। आजकल के जमाने में लड़कियों का अकेले जाना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। सड़क पर कई आवारा लोग इधर उधर घूमते रहते थे, जिनका काम ही लड़कियों को छेड़ना था, और दीपू की माँ की चिंता बड़ी ही स्वाभाविक थी। विक्रम के पिता ने निश्चय कर लिया कि उनका बेटा भी उन्हीं के समान बिजली विभाग में इंजीनियर बनेगा। वे चाहते थे कि 12वीं पास करने के बाद वो इंजीनियरिंग में प्रवेश ले ले, जिसके लिए अच्छे अंकों की आवश्यकता थी। विक्रम बुद्धिमान था और उसे 70% अंक मिलते थे, पर उसके पिता कहते इससे काम ना चलेगा। जब तक उसे 90% अंक नहीं मिलते, तब तक वो प्रवेश परीक्षा पास नहीं कर सकता, क्योंकि इस प्रकार के महाविद्यालयों के लिए बड़ी होड़ लगी रहती है। बस पिताजी दिन रात उसके पीछे पड़े रहते थे। ऐसा लगता था कि अपने बेटे में वो अपना विद्यार्थी जीवन देख रहे हों। कभी कभी माँ बाप अपने बच्चों को लेकर इतने महत्वाकांक्षी हो जाते हैं कि उनकी अपेक्षाएं बहुत अधिक हो जाती हैं। इस प्रकार घर का वातावरण तनाव से भर जाता है। अगर तुम ऐसी परिस्थिति में पड़ गए तो क्या करोगे? अर्जुन की माँ स्कूल में उसके आचरण की रिपोर्ट पढ़कर चिंतित थी। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। वो बड़ा ही लड़ाकू प्रकृति का था। स्कूल से खबर मिलती कि वो अशोभनीय भाषा का प्रयोग करता है। बेचारी माँ ये न समझ पाती कि वो कहाँ से ऐसी भाषा सीखता है, क्योंकि घर में तो कोई इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं करता था। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और उसका पालन पोषण माँ ही कर रही थी।
कम आमदनी होते हुए भी जितना बन पड़ता वो उतना करती। फिर भी वो माँ का कहना न मानता। वो अनुशासनहीन हो गया था। अपनी सारी शक्ति लगाकर माँ उसे समझाने का प्रयत्न करती। कभी वो कहना भी मानता, परंतु फिर भी स्कूल की रिपोर्ट वही थी कि वो छेड़खानी करता है, रौब जमाता है, सदा लड़ता रहता है और पढ़ाई की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता। उसकी माँ की परेशानी को देख बड़ा दुख होता। मंजू के माता पिता बहुत गरीब थे। वे तीन भाई बहन थे और सभी स्कूल जाते थे। स्कूल में पढ़ाई की फीस तो नहीं देनी पड़ती थी, परंतु हर साल किताबों, कॉपियों आदि के दाम बढ़ रहे थे। यूनिफॉर्म महंगा होता जा रहा था। इसी कारण हर साल जून का महीना आते ही उनकी परेशानियां और बढ़ जाती कि वो दाखिले का खर्च किस प्रकार उठा पाएंगे। वे नहीं चाहते कि बच्चों को इसकी भनक भी पड़े और इसलिए वे हर बात बच्चों से छिपा कर रखते और उनके सामने सदा मुस्कुराते रहते। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे माता पिता को अपने बच्चों को पढ़ाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। संजय की माँ चिंतित थी। जब वो छोटा था तो बड़ा ही होनहार था और अब जब वो नवीं कक्षा में था तो वो सोचता था कि वो अब बड़ा हो गया है और उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए। वो अपने माता पिता का कहना मानने के लिए तैयार न था। उसके लिए उसके मित्र ही सब कुछ थे। उसके खिलाफ स्कूल से गायब होकर सिनेमा देखने की शिकायत भी मिली थी। संजय की माँ को उसके मित्र जरा भी न भाते थे। वे सब उस अवस्था में थे जब उनके चेहरों पर दाढ़ी मूछ उगती है और लड़के ये नहीं जानते थे कि इन शारीरिक परिवर्तनों को किस प्रकार संभाला जाए। यही कारण है कि वे ये सोच लेते हैं कि वे अपनी देखभाल स्वयं कर सकते हैं और बड़ों का हस्तक्षेप सहन नहीं कर सकते। संजय की माँ यही प्रार्थना करती कि ये केवल इस अवस्था के कारण है और जल्दी ही दूर हो जाएगा। सुप्रिया तथा उसकी सहेलियों यानी शीला, अपर्णा, मुमताज तथा रीता की बात लें। सुप्रिया किसी अन्य स्कूल में नवीं कक्षा में पढ़ती है। इन सब की माताएं इन आधुनिक लड़कियों के तौर तरीकों को समझने का प्रयत्न करती, परंतु कभी कभी हार मान लेती। वो ये सोचती कि ये लड़कियां कभी कभी पढ़ती हैं। स्कूल के बाद का उनका अधिकांश समय फिल्मी संगीत सुनने में या फिर गप्पे हाँकने में बीतता। वे पढ़ाई को मजाक के रूप में देखती। वे अपना विद्यार्थी जीवन याद करती जब उनके मन में अपने शिक्षकों के प्रति आदर की भावना थी और वो हर काम समय पर करती थी। वे सोचती कि आज लोगों को क्या हो गया है। उनके लिए अपनी लड़कियों को समझाना टेढ़ी खीर थी। माँ बाप की चिंता की कोई सीमा नहीं।
उनका संबंध मनुष्य के हर जीवन पहलू से है, शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक, सामाजिक आदि। वे व्यवहार और आचरण को लेकर चिंतित रहते हैं, मन और बुद्धि की स्थिति को लेकर चिंतित रहते हैं। वे न जाने कितने कारणों से अपने बच्चों को लेकर चिंतित रहते हैं। यद्यपि बच्चे अपने माता पिता को प्यार करते हैं, किंतु अनजाने में ही वो उनकी कई चिंताओं का कारण बन जाते हैं। तुम्हारी स्थिति कैसी है? सोच कर देखो कि क्या तुमने ऐसा कुछ किया है जिससे तुम्हारे माता पिता चिंतित हों? इस विषय पर उन लोगों से बात करके देखो। तुम पाओगे कि वो तुम्हारी भावनाओं को अच्छी तरह समझ सकते हैं और तुम्हारी मदद भी कर सकते हैं। अक्सर छोटी छोटी बातें परेशानियों का रूप ले लेती हैं, क्योंकि तुम इन विषयों पर उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं होते। इस संसार में माता पिता सबसे अच्छे मित्र होते हैं और तुम उनकी परेशानियों को कम करने में उनकी सहायता कर सकते हो। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विषय संयोजन एवं आलेख अहिल्याचारी, अनुवाद राजी रमणन, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।